फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यसु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। किसी साहूकार के दो कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उसके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिश्त में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने को पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझको भूसा ना दिया, मगर उसने जब से मैं आया हूँ मेरे पांव चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पांव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ़ हुए, क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की, मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ़ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। इस पर जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ़ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। आमीन।